देखो ध्यान से देखना, ये आपका स्क्रीन है, इस पर आपको ये सिमुलेशन दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? सिमुलेशन। हमारे पास में अलग अलग सर्किट कंपोनेंट्स मौजूद है। यू कैन सी दिस इज बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी क्या करती है? ये कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। हमारे पास इस तरह से डिफरेंट वायर्स है, ठीक है, ये वायर्स है हमारे पास। चलो ये वायर लगा दिए हमने, ठीक है, चलो कनेक्ट करते हैं वायर्स। देखो यहाँ से ये ऐसा कनेक्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है किसकी? एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस की, जो कि हमने क्या कर लिया है, जो हमने किसके रूप में लिया है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिवाइस की, जिस जो क्या है हमारा सेल है। अब हम एक रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, राइट। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने एक स्विच ले लिया, ठीक है, ये स्विच ले लिया यहाँ, ठीक। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट करके इस वायर से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आया समझ में? दिख रहा है आप सभी को? इतना कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको फर्दर कनेक्ट कर देते हैं रजिस्टर से। ये कनेक्ट कर दिया। स्विच का काम क्या होता है? वो देखता है कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। देखो स्विच लगाते से ही यहाँ करंट फ्लो होने लग गया, दिख रहा है आपको सभी को, है ना। देखो जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होने लग जाएगा। अभी स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीजें देखो, ध्यान से देखना यहाँ, है ना, दिख रहा होगा आपको, जरा ध्यान से देखो। देखो अभी जो करंट की डायरेक्शन है, ये वाला टर्मिनल जो है यहां से, ये देखो ये इस तरह से ये जा रहे हैं। ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन हम तो जो है जानते हैं, हम जो करंट ड्रॉ करते हैं वो होता है कन्वेंशनल करंट। क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। ये वाला जो एंड होता है इसको पॉजिटिव एंड कहते हैं। येलो वाला एंड जो है पॉजिटिव है और ब्लैक वाला एंड क्या है? नेगेटिव है। तो जरा देखो कि ये जो करंट की डायरेक्शन है ये कहां से कहां तक है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। जनरली क्या होता है, एक से इसको जरा रोकते हैं हम। जनरली क्या होता है सर्किट में, देखो हम इसको कट भी कर सकते हैं, इसमें ये भी फैसिलिटी दी हुई है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जनरली इस तरफ रखते हैं, तो हम इधर ही रख देते हैं, चलो ऐसे ही रख देते हैं, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये कर दिया हमने कनेक्ट। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जब इसको ऑन करेंगे तो देखिए करंट ये जो जा रहा है ना, रेड कलर का जो दिख रहा है ये करंट है। देखो यहाँ हमने और इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है, सर्किट में बाहर से अंदर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये कन्वेंशनल करंट एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के मोशन को शो करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते हैं, मूव कौन करते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स करते हैं। लेकिन क्योंकि कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब जो पहले से मान लिया गया था, तो इसलिए फिर हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। सर्किट में जो करंट बनाते हैं वो भी यही वाला बनाते हैं। कौन सा वाला? कन्वेंशनल करंट ही बनाते हैं। लेकिन जब हम बनाते होते हैं तब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं और उनके मोशन की डायरेक्शन जो होती है वो कन्वेंशनल करंट। देखो ये कन्वेंशनल करंट ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कन्वेंशनल करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हालांकि हम बनाएंगे कन्वेंशनल करंट ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अब यहाँ पर रजिस्टर है, ये क्या है? रजिस्टर, ठीक है, दिस इज रजिस्टर। ये है एमिटर। अब हम एमिटर लगाकर ये चेक कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट है, कहां पर, किस आर्म में। देखो यहां पर अगर हम टच करते हैं तो देखो ये करंट कितना बता रहा है, बोलो कितना है? ये 0.90 एम्पीयर है, ठीक है। यहां पर 0.90, यहां पर भी 0.90 एम्पीयर, यहां चेक करके देखें 0.90 एम्पीयर, यहां 0.90, मतलब पूरे सर्किट में करंट जो है उतना का उतना ही रहता है, 0.90 एम्पीयर करंट रहता है। आई बात समझ में? अब हम लगाते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को लगाने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि हमें एक आर्म यहाँ लगानी होती है और दूसरी यहाँ, ये पैरेलल में लगता है। जैसे ही आप लगाएंगे, देखो यहाँ -9 वोल्ट आया, है ना, -9 इसलिए आया
क्योंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल को इधर लगाया, आप पॉजिटिव को यहाँ लगाइए और नेगेटिव को इधर लगाइए। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट जो है, 9 वोल्ट जो है यह आपको क्या दे रहा है, यह 9 वोल्ट जो है यह बता रहा है कि इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 9 वोल्ट है। ठीक है ना, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 9 वोल्ट। देखो यहाँ वैल्यूज भी आप देख सकते हैं, देखिए इसका वो कितना है वोल्टेज, 9 वोल्ट है। ठीक है ना, और स्विच पे तो 0 ओम ये होता है रेजिस्टेंस, 10 ओम ये होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब हम इस सर्किट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, हम जरा रेजिस्टर्स को हटा देते हैं। देखिए हम, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होना चाहिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, एमीटर को भी हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये वैल्यूज भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर एक बल्ब लगाता हूँ, जैसे ही मैं बल्ब लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लग जाएगा। देखो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि बल्ब जो है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है। एनिमेशन स्पीड लिमिट रीच, करंट एनिमेशन स्पीड रिड्यूस टू, ओके तो ये इसकी स्पीड दी हुई है। एनीवे अब ये अपन ने बल्ब लगा लिया, अब इसको हटा देते हैं हम। देखिए ये भी कट कर देते हैं, ये हट गया बल्ब, है ना, इसको हमने रख दिया वापस। तो अब देखिए इस तरह से हम समझ सकते हैं रजिस्टर्स को लगाकर कि कैसे करंट को कंट्रोल करते हैं। एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आप समझिए कि अगर, एक सेकंड, हाँ अगर हम मान लीजिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए वोल्ट मीटर को किसमें लगाना होगा, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना होता है, इस तरह से पैरेलल में लगा दिया। और एम मीटर को आप कहीं भी सीरीज में लगा सकते हैं, तो यहां पर हमने सीरीज में लगा दिया इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं उसको समझिए, इसको ऑन किया, करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मैं वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को वेरी भी कर सकते हैं, एक ऐसा ये बेसिक दिया हुआ है, अगर अगर हम चाहें तो वोल्टेज की वैल्यूज को वेरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए 9 वोल्ट है, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत से ही करते हैं, मान लीजिए मैं 1 वोल्ट रख रहा हूँ, देखिए मैं रख रहा हूँ पहले 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट रखने पे मैं देख रहा हूँ कि ये वोल्टेज तो 1 वोल्ट बता ही रहा है कि मैंने 1 वोल्ट रखा है ना, और करंट देखिए कितना है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 वोल्ट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 वोल्ट कर दिया, देखिए मैंने इसको 2 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट करने पे देखिए करंट कितना हो गया, 0.2 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब मैं 3 वोल्ट कर देता हूँ तो करंट कितना हो जाएगा, जरा देखिए करंट हो जाएगा 0.3 एम्पियर। 4 वोल्ट करने पे कितना होगा, आप खुद ही बताने लग जाएंगे कि वो 0.4 एम्पियर हो जाएगा, और 5 वोल्ट करने पे 0.5 एम्पियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज के लिए करंट की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप वोल्टेज और करंट का रेशो लेते हैं, ध्यान से सुनना, वोल्टेज और करंट का रेशो लेते हैं तो वो रेशो हमेशा कितना आएगा, वी बाय आई कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट जो रेशो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट रेशो इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, उस रेशो को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। अंडरस्टूड, इस रेशो को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल, जब मैं इसके रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आई होप कि जो मैंने आज डिस्कस किया है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।